हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह क्रोटॉन प्लांट की कटिंग को प्रोपेगेट करने के विषय में है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर इस खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे को उगा पाएं। फ्रेंड, क्रोटॉन की बहुत सी वैरायटीज़ आपको आपके आसपास और नर्सरीज़ में देखने को मिलेंगी। यह पत्तियों वाला पौधा बहुत ही खूबसूरत, पत्तियों के कलर्स इसमें आते हैं। वेरिएटेड एक ही प्लांट पे अनेकों कलर की पत्तियां आपको इस पौधे पर देखने को मिलेंगी। तो आज मैं इसी प्लांट को कटिंग से प्रोपगेशन का अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ प्लांट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने पहले भी कटिंग से तैयार किए हैं। और ये दो वेराइटी मैंने इस साल अपने कलेक्शन में शामिल की हैं। फ्री ऑफ कास्ट आप इसके पौधे को उगा सकते हैं। सॉइल मीडिया मैंने इसमें सैंड का उपयोग किया है। तो फ्रेंड, दो प्लांट मेरे पास और हैं, उनको भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो एक बड़ा प्लांट जो आप देख पा रहे हैं वह पौधा मैंने नर्सरी से परचेस किया था, लगभग 2 से 2.5 साल का प्लांट है और इस समय पर इसी सीजन में लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और पॉट तो चेंज नहीं किया मगर इस पे रूट बाउंड हो गया था पौधा हमारा। तो जब हमने इसकी रिपोर्टिंग की तो देखिए, इस पौधे ने नई नई ग्रोथ स्टार्ट की है। आप इसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आउटडोर में यदि रखें तो सेमी शेड में रखें या घंटे दो घंटे की धूप जहाँ पर आती हो, चाहे वो मॉर्निंग की धूप हो या इवनिंग की धूप हो, 1-2 घंटे की धूप यदि इस पौधे पर पड़ेगी तो वह पर्याप्त है। या फिर ब्राइट लाइट इस पौधे पर पड़नी चाहिए, डायरेक्ट टोटल अंधेरी वाली जगह पे या कम रोशनी वाली जगह पे यह पौधा सही ढंग से अपनी पत्तियों के कलर को नहीं डेवलप कर पाता। ये जो छोटा पौधा आप देख रहे हैं इसी प्लांट की कटिंग से तैयार किया गया पौधा है। 1 साल हो चुका है इस पौधे को। पिछले साल रेनी सीजन में मैंने इसे प्रोपगेट किया था इसकी कटिंग से। और देखिए, अब दो प्लांट हमारे पास एक ही वैरायटी के हैं और अन्य जो प्लांट इस साल मुझे कटिंग्स उनकी मिली थी उनको भी मैं प्रोपगेट किया है इस साल। तो देखिए कितने सारे पौधे अब हमारे पास हो गए हैं। ये जो प्लांट की वैरायटी आप देख रहे हैं ये गोल्ड डस्ट के नाम से जानी जाती है और इसकी कटिंग मैं छोटी सी लेके आया था और 4 कटिंग्स उसकी बना के मैंने इसको सॉइल मीडिया सेंड में लगाया है। लगाने का जो सही समय है, रेनी सीजन में आप जून जुलाई से लेके आप नवंबर तक इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। ठंड के समय इसमें रूटिंग होने में दिक्कत होती है, उसके पश्चात जैसे फरवरी के बाद फिर आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग की बात करें तो इसको 10 मार्च को मैंने प्रोपगेशन के लिए लगाया था। एक अन्य प्लांट जो आपने देखा उसकी कटिंग मैंने 25 मार्च को लगाई थी। आज 14 मई हो चुकी है और आज मैं इन प्लांट्स को अलग अलग ट्रांसप्लांट करने वाला हूं। तो फ्रेंड, इनकी कटिंग्स आसानी से लग जाती है सभी वैरायटी की। लगभग 2 महीने का समय बीत चुका है और देखिए कितनी बढ़िया रूटिंग इन प्लांट पे हुई है। आप मैं इनको पूरी तरह से रूट्स इनकी साफ करके आपको दिखाऊंगा। देखिए रूट्स कितनी बेहतर डेवलप हुई हैं। लगभग 2 महीने का वक्त बीत चुका है और रूट्स आप इनकी देख सकते हैं पूरी तरह से। पानी से हम साफ करके भी इनको देखेंगे और देखिए इन सभी को अलग अलग करके अब मैं अभी छोटे ग्रो बैग में, जो नर्सरी ग्रो बैग होते हैं, उनको पॉलीबैग्स में ट्रांसप्लांट करूंगा और जब पौधे हमारे स्थिर हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें पॉट्स में लगाएंगे। तो देखिए सभी जितने भी कटिंग्स मैंने लगाई थी सभी 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ प्रोपगेट हो चुकी हैं। तो आइए अब इन्हें हम साफ कर लेते हैं और फिर उसके पश्चात इनकी हम रिपोर्टिंग भी करेंगे छोटे साइज के नर्सरी ग्रो बैग्स में। तो देखिए इनको हम धो के आपको दिखाते हैं। तो इसके प्रोपगेशन में जो रूटिंग हार्मोन मैंने प्रयोग किया था वह केमिकल रूटिंग हार्मोन पाउडर था और जो दूसरी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा उसको मैंने एलोवेरा जेल के साथ लगाया था।
वह 25 मार्च के आसपास की लगी हुई कटिंग है, और ये जो कटिंग्स आप अभी देख रहे हैं इनको मैंने 10 मार्च को प्रोपगेशन के लिए डगाया था। देखिए, इन सभी में बेहतर रूटिंग हुई है, और जिस कटिंग को मैंने 25 मार्च को लगाया था उसको भी मैं आपको सेंड से निकाल के दिखाता हूँ, उसमें भी रूटिंग हो चुकी होगी। और देखिए कितनी बेहतर रूट्स इसमें डेवलप हुई हैं। दूसरा प्लांट ये है, जो कि इसका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर इसमें भी रंग बिरंगी पत्तियाँ आती हैं, और इसकी भी कटिंग्स एक छोटी सी मुझे मिली थी तो मैंने इसको भी प्रोपगेशन के लिए डाला था। देखिए इसमें भी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, तो सभी कटिंग्स हमारी अच्छे से तैयार हैं आप ट्रांसप्लांट के लिए। तो आइए सॉइल मीडिया जान लेते हैं कि किस तरह के सॉइल मीडिया में मैं इन कटिंग्स को प्रोपगेट करने वाला हूं। तो देखिए नर्सरी बैग हैं, और जो इसमें सॉइल मीडिया मैंने प्रयोग किया है वह एक भाग काउडंग कंपोस्ट, एक भाग रेत और एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, तीनों को मिला के सॉइल मिक्स तैयार किया है। तेज धूप इन पौधों को पसंद नहीं होती, तो सिर्फ अभी एक सप्ताह के लिए हम इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखेंगे, उसके पश्चात मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की या इवनिंग की 1 से 2 घंटे की धूप जहाँ पर आती हो वहाँ पर हम इन कटिंग्स को रख देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है, हालांकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, मगर आपके घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर प्लांट है ये। तो देखिए हमने अपनी कटिंग्स को ट्रांसप्लांट किया है, और इनको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट के पश्चात आपको तुरंत ही वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये कटिंग्स बहुत ही नाजुक हैं, रेत में लगी हुई थी ये, या कह सकते हैं कि बिल्कुल पानी के सहारे। तो कटिंग्स जब भी इसकी आप लगाएं तो सेंड बेहतर सॉइल मीडिया होता है, और उसमें इसकी कटिंग्स आसानी से प्रोपगेट हो जाती हैं। मॉइस्चर आपको लगातार अपनी कटिंग्स पे मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी इसमें अच्छी रूटिंग होगी। तो देखिए इस तरह से करके हम सभी कटिंग्स को अपने ट्रांसप्लांट किए ले रहे हैं, और फिर उसके पश्चात इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर शिफ्ट कर देंगे, और फिर जब ये पौधे कुछ और डेवलप हो जाएंगे तो हम इन्हें पॉट्स में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए लगभग सभी कटिंग्स हमने ट्रांसप्लांट कर ली हैं, 1 से 2 और बची हैं उनको भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, फिर इसके पश्चात हम इनको सेमी सेड में रखेंगे। तो देखिए सभी कटिंग्स हमारी ट्रांसप्लांट हो चुकी हैं। तो आशा करता हूँ क्रोटॉन प्लांट के विषय में दी गई यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।